जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस की ओर से खिलाड़ियों के साथ किए गए ऐसे बर्ताव की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सांकेतिक धरना देकर वह खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों का साथ देंगे। वहीं कांग्रेस नेता आनंद वीर ने कहा कि सरकार पुलिस के द्वारा खिलाड़ियों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन आम जनता ऐसा हरगिज नहीं ने देखी। जैसे आपने देखा कि बीती रात को जो शांतिपूर्वक तरीके से हमारे देश के हमारे प्रदेश के गौरव और शान पहलवान बीते 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, और एक मांग को लेकर कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने, जिनमें से एक नाबालिग बच्ची भी है, उन्होंने हैरेसमेंट का जो है केस उन पर लगाया और आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना दे रहे थे। 3 महीने पहले भी इन्होंने धरना किया, सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया और कोई कार्रवाई नहीं करी। कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद में जो है उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान या कोई और चीज़ के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। तो आज जो धरना यहाँ पर फतेहाबाद में हमने किया है, उसका मुख्य जो कारण बना है वो ये है कि कल रात को आधी रात के बाद में रात के अंधेरे में सरकार की बौखलाहट जो है वो सामने आई और जो नीयत है वो उजागर हुई कि अपनी भाजपा के सांसद को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए एक बार फिर से उन्होंने दिल्ली पुलिस का सहारा लिया, उसको ढाल बनाया और धरने पर बैठे जो हमारे पहलवान हैं उनके ऊपर जो